सामान्य निर्वाचन 2023 में एक भी मतदाता मतदान से वंचित ना हो, इसके लिए बेमेतरा जिले में विभिन्न प्रचार माध्यमों व गतिविधियों के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की जा रही है। अभियान में तेजी लाने के लिए CEO जिला पंचायत व जिला स्वीप नोडल अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने आज जिला मुख्यालय में मतदाता जागरूकता की अपील की। उन्होंने इस अवसर पर शासकीय उच्च मूल्य की दुकान में खाद्य सामग्री लेने आए नागरिकों से मतदान देने की अपील की। उन्होंने आम नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बेमेतरा जिले में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह मतदाता शिक्षा मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करने एवं मतदाता की जानकारी बढ़ाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। स्वीप गतिविधियों संचालित होने से 100% मतदान हो या सुनिश्चित किया जा रहा है। 18 वर्ष की उम्र से पूरी करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची से जुड़वाने में सहयोग करने कहा। उन्होंने कहा कि जिले की 3 विधानसभा में 100% मतदान हो, इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए साथ ही मतदेय स्थलों पर दिव्यांग जनों वरिष्ठ नागरिकों की पहुंच सुगम बनाने की व्यवस्था की जा रही है। अभियान के तहत जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जन समुदाय एवं ग्रामीणों में मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा है, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, उन सबको हमको मतदान के लिए प्रेरित करना है। चाहे वो हमारे दिव्यांग मतदाता हो, हमारे 80+ जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, उन सबको मतदान के लिए प्रेरित करना है। आज आप जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सब से मेरा अनुरोध है कि आपके परिवार में जितने भी मतदाता हैं, सबका मतदाता सूची में नाम दर्ज है, आप सभी का को भी मतदान करना है और अपने परिवार के सभी सदस्यों को मतदान के लिए प्रेरित करना है। सत है मतदान का वो 77% है। हमारे जिले में बेमेतरा विधानसभा में 72 है, साजा विधानसभा का 82% है, नवागढ़ में कम है। तो ऐसे जितने भी हमारे मतदान केंद्र हैं जहाँ पे हमारा मतदान का प्रतिशत कम है, उससे आप लोग मतलब समझ रहे हैं, मतदान का प्रतिशत कम है। जैसे मान लो एक मतदान केंद्र में 100 मतदाता दर्ज हैं मतदाता सूची में, 100 में से 100 को हमको मतदान के लिए उपस्थित कराना है, प्रेरित करना है, तभी हम ये मानेंगे कि हमारे मतदान केंद्र में 100% मतदान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।